सो हाय फ्रेंड्स, मैं आज बताने जा रहा हूँ पोंगल क्यों मनाया जाता है। पोंगल इज अ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल डेडिकेटेड टू द सन और इट्स अ 4 डे फेस्टिवल अकॉर्डिंग टू द तमिल कैलेंडर। ये 15 से 18 तारीख के बीच में 2019 में अभी मनाया जा रहा है और इसका जो है 4 टाइप्स है। सो पहला टाइप है, मैं आपको बताता हूँ, और डे 1 भोगी है। और भोगी में क्या किया जाता है बोलने से, भोगी में जितने भी हम लोग का पुराना क्लोथ्स है और पुराने जितने भी आइटम है जो अनवांटेड है वो सब नष्ट किया जाता है एज अ बर्निंग क्लोथ बर्निंग। और जो घर है वो पेंट किया जाता है और घर को एकदम फेस्टिवल वाला लुक, फेस्टिव लुक दिया जाता है। और सेकंड है ताई पोंगल। ताई पोंगल जो आज का दिन है, जो पोंगल सबको सर्व करते हैं, जो भी घर आता है और अगल बगल के जितने भी है सभी को पोंगल लेके जाके देते हैं और इसमें वड़ा मुरकू पायसम सब बनाया जाता है। और थर्ड डे जो है वो है माट पोंगल। माट पोंगल जैसे आप जानते होंगे जल्लीकट, जो बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल था, जल्लीकट मनाया जाता है और इट्स गुड। एज अ तमिलियन वी शुड सेलिब्रेट जल्लीकट। एनिमल्स है काउ और जितने भी जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है उनको थैंक करने के लिए और उनको पेंटेड, उनको पूरा पेंट करते हैं और उनको थैंक करने के लिए माट पोंगल बनाया जाता है। और डे 4 जो है वो है कानूम पोंगल। द वर्ड कानूम इन तमिल इट्स लाइक मीटिंग। तो जितने भी पुराने रियूनियन गेट टुगेदर, दादा मामा जितने भी है सब गेट टुगेदर ज्वाइन होते हैं और कुछ कुछ फैमिलीज गेट टुगेदर करके पिकनिक वगैरह घूमने, जैसे आप चेन्नई मुंबई पे रहेंगे तो कुछ थीम पार्क वगैरह जाते हैं और कोई कोई लोग अपना ट्रेडिशनल जाते हैं। और मैक्सिमम तमिलनाडु के जितने भी जो चेन्नई पे वर्क करते हैं जो एकदम ये फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा मानते हैं और दे ऑल गो टू देयर नेटिव टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। और पोंगल पिछले हजारों सालों से मनाया जाता है। जो एम्परर, चोला एम्परर है उनके टाइम से मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, मकर संक्रांति भी सेलिब्रेट किया जाता है और ये काफ़ी सारा स्टेट में, मैं आपको बताता हूँ देख के। मकर संक्रांति जो है आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला, बिहार, गोवा, कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। और बिहू भी सेलिब्रेट किया जाता है एज दिस फेस्टिवल। बिहू जो है आसाम पे सेलिब्रेट किया जाता है। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सो विश यू हैप्पी पोंगल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इट्स टाइम टू ईट पोंगल। बाय बाय।